नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा नवी के गणित भाग दो में प्रश्न संग्रह 1.3 करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.3। प्रश्न संग्रह 1.3 को स्टार्ट करने के पहले इसका बेसिक पार्ट देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को यह प्रश्न संग्रह 1.3 थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा प्रश्न संग्रह 1.3, उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को यज्ञ तो के रूप में लिखिए। उसमें से पहले में क्या दिया गया है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, तो इसको यज्ञ तो के रूप में लिखना है। तो इसके उत्तर में लिखोगे यदि दिया गया कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। इसी तरीके से आएगा, देखो यदि दिया गया कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, तो इसके उत्तर में लिखोगे यदि दिया गया कोई चतुर्भुज आयत हो तो उसके विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है, तो इसके उत्तर में लिखोगे क्या है, त्रिभुज है ना, तो आप लिखोगे यदि दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो तो उसके शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। तो कहने का क्या मतलब, इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। इसके उत्तर में क्या आ जाएगा, यदि दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो तो उसके शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है, इसी तरीके से आएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों के विलोम लिखिए, इसका विलोम लिखना है। तो पहले में क्या दिया गया है, दो समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो तो एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं, तो जब विलोम लिखना रहेगा तो जो तो के बाद वाला रहता है वो क्या होता है, वो पहले लिखना पड़ता है, तो इसके उत्तर में आएगा यदि दी गई दो रेखाओं तथा
की तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण सर्वांग सम हो तो वे रेखाएं होती है। कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले अंतःकोणों की एक जोड़ी संपूरक हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो इसके उत्तर में लिखोगे, यदि कोई तिर्यक रेखा दो परस्पर समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हो तो इनके अंतःकोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब क्या हो गया? 180 अंश के होते हैं। अंतःकोण संपूरक होते हैं। कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? आयत के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं। इसके उत्तर में लिखोगे, यदि दिए गए चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांग सम हो तो वह चतुर्भुज आयत होता है। इसके उत्तर में क्या आएगा? यदि दिए गए चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांग सम हो तो वह चतुर्भुज आयत होता है। सो दोस्तों, इसी तरीके से करना था। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 1.3 कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 1.3 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।